डॉक्टर नाजम अली की आज नर्सिंग होम में उपचार के दौरान एक 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। आपको बता दें, इस वक्त की यह बड़ी खबर है, युवती की मौत से गुस्साए परिजनों ने चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को काबू में किया। दोनों पक्षों में समझौते के बाद परिजन युवती का शव घर लेकर गए हैं। तो ये मामला गुरुवार का है, जब महमूदपुर भिक्का निवासी भोपाल सिंह की 21 साल की पुत्री मनु जंगल गई थी और जहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने शाम के समय उसे बैरमगढ़ मार्ग स्थित डॉक्टर नाजिम अली के आज नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां करीब 1.5 घंटे बाद युवती के उपचार के दौरान मौत हो गई है। युवती की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सक के ना आने के बावजूद अस्पताल का स्टाफ युवती का इलाज करता रहा। आरोप ये भी है कि अस्पताल स्टाफ के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद युवती की मौत हुई है। इस पूरे मामले को देखें तो इसी बीच चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाते हुए दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है। उधर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय यादव ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।